के इस समय की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं कि इस समय जो बोकारो जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, कोयलांचल क्षेत्र के डीआईजी मयूर पटेल साहब, उन्होंने बोकारो जिला क्रिकेट संघ के तमाम पदाधिकारियों को तलब कर लिया है। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर, अध्यक्ष ने तमाम जो सदस्य हैं बोकारो जिला क्रिकेट संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको तलब कर लिया है। जैसे ही इस खबर की सूचना हम लोगों ने बोकारो जिला क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं मयूर पटेल साहब को दी थी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से सुना था और लिया भी था। उसके बाद लगातार उन्होंने इस वीडियो को भी देखा है और वीडियो देखने के बाद उन्होंने जितने भी बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी हैं उनको तलब कर लिया है, जिसकी मुहर हम नहीं लगा रहे हैं, जिसकी मुहर खुद बोकारो जिला क्रिकेट संघ के जो सचिव हैं अरविंद कुमार, जो इस समय पंजाब में हैं। हम सीधे आपको पंजाब लेके चल रहे हैं, जहां पर होशियारपुर में अरविंद कुमार पोस्टेड है अभी और वहीं पर है। हम सीधे अरविंद कुमार से बात करते हैं और जो खबरें आ रही है कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तलब किया है कमेटी के लोगों को कि नहीं, सीधे हम लोग उनसे ही जानते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीप फोकस चैनल पर। हम लोग सूत्र बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो अध्यक्ष हैं कोयलांचल क्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं मयूर पटेल साहब, जो अध्यक्ष हैं आप लोगों के, उन्होंने तलब कर लिया है आपके पूरी कमेटी को। फोन आपको भी गया है क्या? सर, मेरे को फोन वहां से तो अभी नहीं आया है, लेकिन मेरे को सूचित हो गया है कि वहां से सब लोग को बुलाया गया है। मतलब आपको टेलीफोन आया है कि नहीं? जी सर, मेरे को टेलीफोन तो आया नहीं है। जी जी, लेकिन आपके लोगों को आया है? जी जी जी, बाकी लोगों को आया है। और ये भी हुआ है कि शायद कि शाम को सब लोगों को बुलाया गया है, शायद कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। अच्छा, तो राजेश्वर सिंह साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोई भी कागज मीडिया को देने से मना कर दिया, कहा कि अध्यक्ष जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम कोई कागज आपको नहीं दे पाएंगे। आप सचिव हैं, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप केवल इतना बताएं कि क्या जो खिलाड़ी खेल कर चले आए हैं उनका भी लिस्ट देने में आपके कमेटी के हाथ और पैर क्यों फूल रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप लोग को भी मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग को चाहे उनको कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर समय लिस्ट तो पेपर पे भी निकलता है लेकिन प्रिंट मीडिया और वॉइस मीडिया दोनों पे जाना चाहिए। आइंदे वो सब सर आप लोग को मिलेगा, सारे मीडिया लोग को मिलेगा। नहीं, ये जो पहले की कमेटी खेल के आई है उसका लिस्ट कब मिलेगा? सर ये तो शाम को जो मीटिंग होता है तो उसके बाद सर जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। आपके ही जो स्टूडेंट थे सर, उन्होंने ही एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उन्हें बोकारो बुलाया जाता है, उनका नकली सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उनका नकली आवासीय पता बनाया जाता है, उसके बाद इस जगह से उसे खिलाया जाता है। कितना गंभीर आरोप इसे मानते हैं आप? सर आरोप तो सर गंभीर है, लेकिन सर ऐसा हमको कोई खबर नहीं हुआ है सर। सर अभी तीन दिन पहले ही यूपी के बच्चे ने आप ही के एक सदस्य पर गंभीर आरोप लगाया और एफआईआर भी दर्ज कराया है संतोष पासवान पर। हाँ सर, जो अगर इसमें कोई गलत पाए गए तो उसमें तो कानूनी कार्रवाई होगी सर। अच्छा, जो पैसे लेने की चर्चा है, आपने भी कल वीडियो देखा होगा, बच्चों ने मुखर होकर कहा है कि पैसे हमसे लिया गया, पैसे लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, आप मानते हैं कि नहीं? जी सर, पैसा लेने का तो प्रावधान ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो टूर्नामेंट होता है उसमें बहुत सारी खर्चा होती है। अभी लोग का एक बना हुआ है कमेटी के पैसे से, मतलब टूर्नामेंट में कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि एम्पायर है, नाश्ता है, टेंट है, ये सब का काम होता है, जो कि ये तो इन्हीं लोग के फीस के ऊपर निर्भर करता है। चल रही है और जो समाचार आपको भी मिल रहा होगा, ये समाचारों को मिलने के बाद आप कितना दुखित महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को? सर इसमें तो सर ये बहुत दुख की खबर है, बहुत लग रहा है कि ऐसे भी माने होता है। और हम आपको इतना भी बता देते हैं कि
इस पे सर आगे जो भी इसमें आएंगे उस पे कानूनी कार्रवाई होगी और उनको मैंने हम लोग बोकारो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के तरफ से मतलब उसको क्या बोले ये तो ये हो रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी और सर इस पे आइंदे भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलती ना हो। जी सर। तो सर कब बोकारो आप आ रहे हैं? सर हम मई में मेरा डिस्ट्रिक्ट पूरा हो जाएगा तो हम मई में आ जाएंगे 15 तारीख। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।